हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रायंफ मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है भाई सभी लोगों का। आज मैं एक काफी दिनों से नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों के और परसेंटेज से रिलेटेड। तो परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें मैं अपना भी तरीका, कुछ स्मार्टेस्ट वे भी आपको बताऊंगा कि आप स्मार्ट वे में इनको कैसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि इनमें एलिगेशन का यूज भी आप कर सकते थे, एलिगेशन का यूज भी हो सकता था। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वैसे मैंने एलिगेशन अभी तक आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो विदाउट एलिगेशन भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन विदाउट एलिगेशन हो सकता है आपको टाइम भी ज्यादा लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलो तो भाई ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 50,000 इन ए सर्टेन ईयर। If population of male increased by 16% and female population is increased by 6% and overall population is increased by 10%, what was the number of males before increased? क्या कह रहा है कि निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 50,000 है। मेरे ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। यदि पुरुष की जनसंख्या में 16% की वृद्धि हुई है और महिला की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई है, तो कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है। वृद्धि से पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो देखो, तो एक तरीका पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं आप लोग, है ना। तो पहले एक चीज समझना आप फर्स्ट, कि ये कह रहा है कि इस टाउन में मेल और फीमेल ही है, पुरुष और महिला ही है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है? 50,000, 50,000। मुझे इन दोनों का स्टार्टिंग का डिफरेंस ही बताना है, मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है मुझे वही बताना है कि डिफरेंस कितना था, ठीक है। तो पहला तरीका एलिगेशन के थ्रू कैसे करोगे? देखो, तो एलिगेशन में क्या होता है, एलिगेशन जो होता है, एलिगेशन एक तरीके से वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो दो क्वांटिटीज होती हैं, एक बड़ी क्वांटिटी होती है, एक छोटी क्वांटिटी होती है, और एक उनके मिडिल में मीन क्वांटिटी होती है। तो एक तरफ मेल है, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको आंसर बता रहा हूँ। एक तरफ फीमेल है, मेल कितने बढ़े भाई? 16%। फीमेल कितनी बढ़ती है? 6%। और ओवरऑल कितना? 10% का इफेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन पे। अब यहाँ अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो 10 में से 6 निकाल दो, इधर इधर 16 में से 10 निकाल देना, इधर तो आपको मिल जाएगा 4, इधर मिल जाएगा मुझे 6, और ओवरऑल अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे ये जो रेशियो मिलेगा वो मुझे मिलेगा 2:3। तो ये जो 2:3 मुझे मिला, ये मेल और फीमेल की पॉपुलेशन का रेशियो आ गया मेरा, समझ गए बात को? मेल और फीमेल की पॉपुलेशन का रेशियो आ गया, जो स्टार्टिंग में टाउन की थी 50,000। तो 50,000 में मेल कितने हैं? 2 पार्ट, फीमेल है 3 पार्ट, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 + 3 अगर मैं कर दूं दोनों को तो मुझे मिलता है 5, और 5 की वैल्यू मुझे दे रखी है 50,000, ठीक है। मुझसे पूछा क्या है, पुरुषों की संख्या कितनी है? 2। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपको समझदार हो, 5 की वैल्यू 50,000 है, तो 1 की वैल्यू 10,000 आएगी। मेल और ये फीमेल, मेल अगर 2 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 20,000 आ जाएगी। तो ये तरीका आपके समझ में आया, उम्मीद कर रहा हूँ पूरी तरीके से मैं आपको ये चीज समझा पाया। अब एक और तरीका देख लो इसका, एक और स्मार्ट वे देख लो। देखो ध्यान से समझना बात को, कि मेल और फीमेल दोनों मिला के 50,000 है, यानी कहने का मतलब क्या है कि 100% मेल और 100% फीमेल मिला के, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझते रहे ना, ये फर्स्ट मेथड था। मैं एक और मेथड आपको बता रहा हूं, सेकंड की बात मैं कर रहा हूं। 100% मेल और 100% फीमेल अगर मिला दिए जाए तो मुझे मिलता है 50,000। ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी है हमारी? 50,000, समझ गए बात। उसने कहा कि 16% मेल इंक्रीज हुए और 6% फीमेल इंक्रीज हुई, तो 10% मेल और फीमेल दोनों इंक्रीज हो गए, समझे? ठीक है, तो यहां से भी आप ये रेशियो निकाल सकते थे, समझ गए बात को। अब यहां पे एक और अप्रोच आप सीधी लगा सकते हो कि आप क्या करो, 6% कॉमन ले लेते हैं ना, 6% मेल प्लस फीमेल हो जाएगा इधर, और इधर बचेंगे 10% मेल, और ये 10% किसका है? मेल और फीमेल का। मेल और फीमेल कितने? 50,000 का 10% कितना होगा भाई? 5,000, ठीक है।
इधर मेल और फीमेल का 6% है, 6% कितना होगा, 5 के होते 30,000, तो 3,000 प्लस 10% ऑफ मेल इज इक्वल टू आ जाएंगे 5,000। अब देखो ध्यान से, यहां सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, इधर तो 10% मेल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5,000 में से 3,000 निकाल देना तो बचेंगे 2,000, तो 100% जो मेल आएंगे वो आ जाएंगे 20,000। तो ऐसे भी डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और बता देता हूं, चलो एक सेकंड ध्यान देना, ऊपर मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको, जो इक्वेशन मैंने बनाई थी उसी इक्वेशन को सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। आगे मैं डायरेक्टली करने वाला हूं, है ना, नेक्स्ट बस इसको थोड़ा सा समझ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत जल्दी दिख रहेंगे इसको सॉल्व, इस क्वेश्चन में समझ लो बस एक बार ध्यान से। देखो इक्वेशन हमारी बन गई है, क्या है कि 3000 प्लस 10% मेल इज इक्वल टू आ रहा है 5000। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 10% मेल इज इक्वल टू 2000। इधर एक जीरो बढ़ाना, इधर एक जीरो बढ़ा देना, कितना आ जाएगा 20,000। मेरा आंसर कितना आ जाएगा 20,000। उम्मीद कर रहा हूं कि दोनों तरीके आपकी समझ में आए होंगे, एलिगेशन वाला भी तरीका आप कर सकते, अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इस तरीके को अप्लाई करने में भी, ठीक है। बढ़े आगे, एक क्वेश्चन पर टाइम लिया है, अगले क्वेश्चन पर टाइम भी नहीं लेना। क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 65,000, ठीक है भाई, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 65,000 इन ए सर्टेन ईयर, इफ पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज्ड बाई 6 whole 2 by 3% एंड द फीमेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाई 10% एंड ओवरऑल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाई 12%, वॉट वॉज द नंबर ऑफ फीमेल्स बिफोर इंक्रीज। देखो एलिगेशन लगा सकते हैं इजिली इसमें, कैसे लगेगा देखो ध्यान से देखना, मेल इधर फीमेल, मेल पॉपुलेशन बढ़ी है 16 whole 2 by 3%, फीमेल पॉपुलेशन बढ़ी है 10%, ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ी है 12%। तो एलिगेशन पे यहां लग जाएगा इजिली, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लगेगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ क्या करना होता है इस तरह के जब भी हमारे सामने फंसे कंडीशन। देखो ये जो होता है, ये होता है 50/3, मेल और फीमेल, ये आ जाएगा 50/3, ये 10 है, ये 12 है। आपको क्या करना है ध्यान से समझना, ये 3 है ना, तो नीचे 3 बनाना है सबको, नीचे 3 बनाने के लिए ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलिगेशन लगा दो, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये 3 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे आ जाएगा मेल और इधरों का फीमेल, ये हो जाएगा 50 ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 36। एलिगेशन लगाओगे सॉल्व हो जाएगा, 36 में जाएंगे 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 14, आगे सॉल्व करोगे 3:7 आ जाएगा, आंसर आ गया। पूछा क्या है हमसे, पुरुषों की संख्या कितनी है, 3 है, 3 + 7 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 10 और 10 की वैल्यू कितनी आ रही है 65,000, ठीक है भाई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19,500, कितनी आ जाएगी 19,500, सॉरी 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19,500, ठीक है। ये 6500 है 1 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6500 × 3, 6500 × 3 कर देना यार, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो एलिगेशन के थ्रू इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़े आगे, या उससे भी बताऊं, दूसरे तरीके से भी बताऊं, देखो मैं बता सकता हूं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देख लो ये ऐसे भी सही लग रहा है मेरे को। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 50,000, ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन होता है इसमें। इफ पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाई 16% एंड पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंक्रीज बाई 6% एंड ओवरऑल पॉपुलेशन इज नाउ 55,000, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फीमेल्स बिफोर इंक्रीज। ये कह रहा है कि 50,000 थी पहले आबादी और पुरुषों की संख्या में 16% की वृद्धि हो गई, महिलाओं की संख्या में 6% की वृद्धि हो गई और कुल जनसंख्या में हो गई 55,000। तो देखो आपको क्या चेक करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, 50,000 हुआ करती थी पहले पॉपुलेशन, आज कितनी हो गई 55,000, कितना इंक्रीमेंट हो गया 5,000 का, 5,000 का इंक्रीमेंट 50,000 का, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 10% का इंक्रीमेंट है कि नहीं है, बताओ जरा, सोचो इस बात को, डायरेक्टली हिट कर सकते हैं दिमाग में। 50,000 से 55,000 पहुंची तो इंक्रीमेंट कितने का हो गया भाई, 5,000 का, ठीक है, समझ में आ रही होगी बात।
तो 10% इंक्रीज हो गया। भाई देखो 5000 जो होता है वो 50000 का कितना होता है, 10% होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करके चेक कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार कैंसिल कर देना, आपको कितना मिल जाता है 10%। यार ये तो जल्दी आना चाहिए ना, तो लगा दे मेल फीमेल 16 6 ओवरऑल होगी 10%। तो वही कहानी आ गई दोबारा से, 4 और 6 वाली, यानी कि 2:3 आ गया आंसर। तो आंसर पूछा गया है महिलाओं की संख्या कितनी है, 3, 30,000 आंसर आ गया। समझ गए बात को, नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए होगे। देखो एक और तरीका बताता हूं मैं यहाँ पे तुम लोगों को, सेकंड मेथड की तरफ आ जाओ। ये फर्स्ट मेथड था अपना जो एलिगेशन के थ्रू हमने सॉल्व कर लिया। एक और तरीका क्या हो सकता है कि जैसे हम देखा जाए तो कितनी जनसंख्या बढ़ी है, 5,000, ठीक है। आपके 16% मेल बढ़ते हैं और 6% अगर फीमेल बढ़ती है तो ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है, 5,000। समझ गए, कॉमन ले लो इसमें से 6% मेल और फीमेल हो जाएंगे और 10% मेल अलग बच जाएंगे, इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 5,000। याद आ रहा है पहला क्वेश्चन, 6% ऑफ 50,000, मेल और फीमेल कितने, 50,000, कितना आ जाएगा, 3,000। 3,000 प्लस 10% ऑफ मेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 5,000, यानी कि 10% मेल की वैल्यू आ जाएगी 2,000। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000। तो फीमेल कितनी आ जाएंगी, 50,000 में से 20,000 निकाल दो यार, कितना आंसर आ गया हमारा, 30,000। तो ये भी तरीका कोई बुरा नहीं है, इसको भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बताया ना स्मार्ट अप्रोच, जो आपको लगे एलिगेशन आसान लग रहा है एलिगेशन के थ्रू लगा लो, बस यहाँ पे ये समझना जरूरी था कि भाई ये 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। बढ़ जाए आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 9600 इन ए सर्टेन ईयर, द पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाई 8% एंड फीमेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाई 5%, ठीक है। 8% बढ़ी मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन बढ़ी 5%, एंड ओवरऑल पॉपुलेशन इज नाउ 10,272, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स बिफोर इंक्रीज्ड, बढ़ने से पहले मेल्स की जनसंख्या कितनी थी। तो भाई मैं क्या करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, मैं देखने वाला हूँ 9600 है, 9600 से 10,272 में पहुंच रहे हो भाई, ठीक है। कितना बढ़ गए आप बढ़ गए 672, समझ में आ रहा है, 672 बढ़ गए, समझ पा रहे हो सभी लोग इस चीज को, ठीक है। 672 बढ़ गए, 8% तो मेल बढ़े थे और 5% फीमेल बढ़ी थी, और ओवरऑल कितना बढ़ गया, 672 बढ़ गया। तो मैं क्या करने वाला हूं ध्यान से देखना, 5% लूंगा कॉमन, 5% ऑफ मेल प्लस फीमेल प्लस 5 के बाद मेल का कितना बच जाएगा, 3% ऑफ मेल बच गया, ये वैल्यू कितनी आ गई, 672, 5% निकाल दो इसका, इसका 10% 960 आएगा, 5% आएगा 480, और 3% मेल कितना आ जाएगा भाई, 672। तो 3% मेल की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 480 में 2 500 आ जाएंगे। एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं, देखो कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान समझना, 480 में 20 ऐड करोगे 500, 500 से 172 ज्यादा, 172 में 20 ऐड करोगे 192 आ जाएगा, ठीक है। 3 से इसको काट भी सकते हो, 3 टिकट 18 और 3 चौके 12, 1% जो होंगे मेल वो कितना जाएंगे 64, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6400, 100% मेल कितने हो जाएंगे भाई 6400 हो जाएंगे, ठीक है। पहला तरीका तो यही है, एक और तरीका दिखा देता हूँ एलिगेशन के थ्रू आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, वो भी समझ लो भाई सेकंड मेथड। आपको ये चेक करना है कि 672 जो है वो 9600 का कितना परसेंट है, है ना, ये चेक करना पड़ता है। 24 से काट के देखिए इसको, 24 चौके 96 होते हैं, 24 दूनी 48 हो जाएंगे, और 24 अट्ठे और 4 सत्ते 28 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल कितना आ गया मेरा 7% हो गया सॉल्व। मेल और फीमेल, मेल 8% बढ़े, फीमेल 5, ओवरऑल बढ़े 7, एलिगेशन लगा दिए जाए, 7 - 5 कितना जाएगा 2, 2:1 आ रहा है ना, 3 की वैल्यू कितनी आ रही है 9600। पूछा क्या है, मेल मेल है, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9600 इंटू 3/2 इंटू 2/3, 3 से कितनी बार 32 बार, 32 दूनी कितने आ जाएंगे भाई 6400। बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, 1% भी दम नहीं है इन क्वेश्चंस में, अब तो समझ में आने लगे होंगे सारे क्वेश्चन, इतने भी समझाए अभी तक, बढ़ो आगे। आज थोड़े क्वेश्चन ज्यादा हैं, ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगी सारी चीज। द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ टाउन इज 70,000, देखो भाई लिख लो यहाँ पे इस क्वेश्चन को, सीपीओ में आया अभी, है ना। अब कैसे सॉल्व करेंगे ये तुम देख लेना अभी,
टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ टाउन इज 70,000. द नंबर ऑफ मेल्स इज इंक्रीज्ड बाय 6% एंड दैट ऑफ द फीमेल्स इज इंक्रीज्ड बाय 4%. देन द टोटल पॉपुलेशन वुड बिकम 7,350,520. व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द बिगिनिंग. ये कह रहा है कि एक टाउन की पॉपुलेशन जो जनसंख्या है वो 70,000 है. यदि पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि हो जाती है तो कुल जनसंख्या हो जाती है 73,520. शुरुआत में पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्या अंतर था, अभी देखो कैसे सेकंड्स में आंसर सॉल्व होता है. 70,000 है, इससे 73,520 हो रही है पॉपुलेशन, ये बढ़ गई है पॉपुलेशन यहाँ पे, है ना. अब मुझे एक बात बताओ कि पॉपुलेशन में जो इंक्रीज है वो इंक्रीज मैं लिख दूं क्या डायरेक्टली 73,520 का है, ये इंक्रीमेंट है पॉपुलेशन में, ठीक है. आपको पता है कि 6% मेल इंक्रीज हुई है और 4% फीमेल इंक्रीज हुई है, और ओवरऑल ये देखा जाए तो कितनी इंक्रीज हुई है, 3,520. आपको पता है कि 100% ऑफ मेल प्लस 100% ऑफ फीमेल जो है वो कितना है, 70,000 है, ठीक है. तो 4% दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा कॉमन ले लो 4%, 4% ऑफ मेल प्लस फीमेल, और मेल कितने बच जाएंगे 2%, मेल कितने बच जाएंगे यहाँ पे 2%, इसको प्लस कर लेना यहाँ पे, है ना, प्लस 2% ऑफ मेल, ये कितना आ रहा है 3,520. देखो कितना जल्दी 4% निकालो इसका, 70,000 का 4% कितना आएगा 2,800, कितना आएगा 2,800, 7×4=28, 2,800 प्लस 2% मेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3,520. अब यहाँ ये चेक करो 2% मेल की वैल्यू कितनी आ रही है, 2% मेल की वैल्यू 2,800 उधर चले जाएंगे, आ जाएगी 720, कितनी आ जाएगी 720, 1% कितने आ जाएंगे 360, तो 100% मेल कितने आ जाएंगे भाई 36,000. अगर मेल 36,000 है तो फीमेल 34,000 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, बताओ जरा मुझे, और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2,000 आएगा नहीं आएगा. तो मेरा आंसर कितना आ गया इसका, 2,000. पहला तरीका मैंने बताया, दो तरीके बताऊंगा हर बार, इसमें भी दो तरीके बताऊंगा कैसे सॉल्व कर सकते हो दूसरे तरीके के थ्रू जाके इसको कैसे सॉल्व करना है आपको. तो ये लिख लिया सब लोगों ने, इसको देख लेना एक बार, ठीक है, इस तरीके से किया है मैंने. और मैं एक काम करता हूं, अभी इसको हटा देता हूं, ठीक है. सेकंड मेथड देख लो भाई एक बार, रिवाइंड करके देख लेना एक बार, है ना सभी लोग. सेकंड मेथड क्या कहता है कि भाई 3,520 बढ़े हैं कितने पर, 70,000 पे, तो 100 पर कितने बढ़ेंगे चेक करो, 3 जीरो हटा दिया जाए, 1, 2, 3, यानी कि 352 डिवाइड बाई 70% का इंक्रीमेंट है, यानी कि 5% से थोड़ा कम मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है, सॉरी 7×35 होते हैं ना, तो 5% से थोड़ा ज्यादा है. तो एक तरीका क्या है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मेल फीमेल, मेल बढ़ते हैं 6%, फीमेल बढ़ते हैं 4%, और ये कितने बढ़ते हैं भाई 352 डिवाइड बाई 70. मैंने क्या बताया, 70 बनाना है सबको, डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 70, डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 70, जैसे करोगे ये 70 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका काम खत्म. यहां सॉल्व कर लो, 7×42 420 हो जाएंगे ये, मेल फीमेल कितने हो जाएंगे 7×28 280, और ये कितने हो जाएंगे 352. एलिगेशन लगा दो इसमें, तो 280 से 352 कितना डिफरेंस है, 72 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है सीधा सीधा, 420 और 352 में 48 और 68 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है. सॉल्व कर लो, 4 से काट लो, 18:17 आ रहा है, तो 18 और 17 कितने होते हैं 35, 35 की वैल्यू आ रही है 70,000, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1, डिफरेंस ही तो पूछा मुझे, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35×70, यानी कितना आ जाएगा आंसर मेरा 2,000. तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा इसका 2,000, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा. आंसर कितना आ जाएगा इसका 2,000 आ जाएगा, ठीक है. दो आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, In an examination, 34% students failed in mathematics and 42% failed in English. If 20% students failed in both the subjects, then what percent of students passed in the examination? देखो भाई कैसे सॉल्व करना है इसको, ध्यान से समझना. एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी जो हैं वो फेल हुए गणित में, यानी कि मैथ्स हमारे सब्जेक्ट में, और अंग्रेजी में 42% फेल हुए, दोनों में मिला के 20% फेल हुए, तो कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए. तो देखो क्या करते हैं इसमें, वेन डायग्राम बना लो एक, बहुत ध्यान से समझना, एक वेन डायग्राम मैं बना रहा हूं, एक ये बना दिया मैंने, एक मैं बना रहा हूं ये,
एक मैंने ये बना दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया ये जो है जो रेड कलर का है, रेड कलर का मैंने ले लिया मैथ्स वाला, ये वेन डायग्राम किस चीज का है, मैथ्स का है। और ये जो ब्लू कलर वाला है ये वाला ले लिया मैंने इंग्लिश का, ब्लू कलर वाला क्या है हमारा इंग्लिश है। देखो एक चीज समझना तुम सब लोग ध्यान से इस चीज को कि ये जो जगह होती है, ये जगह होती है कॉमन, इसमें कॉमन चीजें आती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी कॉमन, इसको मैं हटा देता हूं जरा एक सेकेंड, ये होती है हमारी कॉमन जगह, ठीक है। इसको मैं ऐसे दोबारा बना देता हूं, ठीक। ये इंग्लिश है, ये मैथ्स है। अब ये कह रहा है कि दोनों में कितने फेल हुए चेक करो, 20% तो 20 तो आ जाएगा मेरा यहां पे, ठीक है। मैथ्स में ओवरऑल हुए हैं 34% फेल, 34, तो 20 यहां पे आ गए तो 14 बचे यहां पे। ओवरऑल मैथ में कितना दीजिए 34, इंग्लिश में कितने हो गए फेल 42%, 42% का 20 यहां आ गया तो यहां कितना बचेगा 22। तो ये फेल का ग्राफ बना है, फेल्ड जो हुए, जो अनुत्तीर्ण हुए, तो एड फेल्ड कितने हुए चेक कर लो, बस आंसर आ जाएगा 20, 42, 42 और 4, 46 और 10, 56, 56% फेल हो गए, तो पास कितने होने चाहिए भाई 44% हो गया सॉल्व, तो पास कितने होने चाहिए 44%। इतना ध्यान रखना बस आप लोगों को, इतना अगर आप ध्यान रख लोगे कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ये कितना आ रहा है, ये टोटल पूरा लिया जो मैंने मैथ्स वाला, इसमें कितने पास हो रहे हैं 34, तो ये जो कॉमन पार्ट होता है ये वाला जो है इसमें 20 दे ही रखा है, दोनों में कुल कितने फेल हुए 20, तो मैथ में 34% फेल हो रहे हैं और 20 यहाँ कॉमन में आ गए तो 14 तो बचे, मैथ का पूरा देखो ना ये वाला, तो 14 और 20 34 होंगे, और इधर देखो इंग्लिश का 20 और 22 कितने हो जाएंगे 42 हो जाएंगे। इस तरीके से इनको सॉल्व कर लेते हैं, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक दो क्वेश्चन इसके भी सॉल्व कर लेते हैं। इतना ही बड़ा मैंने सेशन बनाया है, है ना। इन एन एग्जामिनेशन 70% स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 70% इंग्लिश में पास हुए, 80% पास्ड इन मैथमेटिक्स और 10% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। वाह ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ टोटल 144 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो भाई आंसर मेरी बात समझना, जो बच्चे इंग्लिश में पास हुए वो है 70% पास नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे मैं इंग्लिश है और क्या है हमारे पास मैथ्स, जो बच्चे मैथ्स में पास हुए वो बच्चे 80%, ठीक है। और इंग्लिश एंड मैथ दोनों में जो फेल्ड है वो है 10%, दोनों में फेल कितने हो रहे हैं 10% फेल हो रहे हैं। अगर दोनों में 10% फेल हो रहे हैं तो एक बात बताओ मुझे जरा, पास्ड कितने हो गए, अरे 90% पास हुए कि नहीं ओवरऑल बताओ जरा, 10% दोनों में मिला के फेल हुए तो कुल पास कितने हुए 90%। यदि कुल 144 छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं, यानी कि पास 144 हुए नहीं 90%, अगर ऐसे मत सोच रहे 90% की वैल्यू हो रखी है ये, अब हमें चेक करना पड़ेगा है ना, ये एक्चुअल में इनकी कॉमन की वैल्यू दे रखी 144 दोनों में मिला के जो है ना, इंग्लिश में भी जो पास है जो मैथ में भी पास है ना। तो देखो कैसे करते हैं इसको सॉल्व, अगर मैं यहां चेक करके देखूं तो 70 प्लस 80 यानी कि मुझे मिल रहा है 150%, ये तो लेकिन पास कितने हुए 90%। तो देखो क्या करना है तुमको, मुझे 90 बनाना है ना ओवरऑल पास का, तो मुझे ये जो 150% आता है, बहुत ध्यान समझना भाई इस क्वेश्चन में बड़ी गड़बड़ होती है बच्चों से है ना, इंपॉर्टेंट देख लेना इस चीज को, ये जो 150 आ रहा है ना इसमें से 90 निकालो कितना आ रहा है 60%, 60% होंगे कॉमन, 60% क्या होंगे कॉमन। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बना दूं, मैं अगर इसका वेन डायग्राम बनाने चला जाऊं, एक ये ले लेता हूं मैं और मैं एक ये ले लेता हूं, देखो अभी सॉल्व होता है क्वेश्चन, ठीक है। ये इंग्लिश का पार्ट ले लिया, ये मैथ्स का पार्ट ले लिया, ये इंग्लिश का पार्ट ले लिया, ठीक है। देखो कॉमन कितने दोनों के बीच में 60, कॉमन लिख दिया मैंने 60। इंग्लिश में कुल कितने पास हुए 70, इंग्लिश में कुल कितने पास हुए 70%, मैथ में कुल कितने पास हुए 80%। तो अगर 60 यहां आ गया तो यहां पे तो 20 बचा 80, और 70 है 60 यहां आ गया तो यहां बचा 10, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये 90% बन गया हमारा,
ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। मुझे क्या कह रहा है कि दोनों में पास होने वाले छात्रों की संख्या, यानी कि देखो किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है 60% की। तो 60% की वैल्यू मुझे दे रखी है, 60% की वैल्यू आ रखी है 144। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 144 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 100 जब तुम करोगे तो 6 से कटेगा 24 बार, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा भाई 240। मेरा आंसर कितना आ जाएगा 240। यहां पे लिख देता हूं, एक बार ध्यान से देख लेना, 60% की जो वैल्यू है वो दे रखी है 144, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर 240 ही आएगा। ठीक है, 3/5 होता है, 3 की वैल्यू 144 है, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। ठीक है, बढ़ो आगे भाई, क्या कह रहा, लास्ट क्वेश्चन है ये अपना भाई आज के सेशन का। ठीक है, क्या कह रहा है ये, ए पर्सन कैन सेव 25% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ही सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचा सकता है। ठीक है, अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो वह पहले की तरह बचत करता है, तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। पहली बात तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए, इनकम जो होती है वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ये बात सब लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारी जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर सेविंग होती है, यानी कि आय जो होती है हमारी वो क्या होती है, खर्च प्लस बचत। 25% जो होता है, 25% जो होता है वो होता है 1/4, यानी कि अगर मेरी इनकम 4 है तो मेरी सेविंग है 1, अगर मेरी इनकम 4 है तो मेरी सेविंग है 1, तो खर्चा कितना होगा 3। समझे भाई सब लोग इस बात को। ठीक, और आसान करने के लिए देखो क्या कर रहा हूं मैं, 2 0 यहां बढ़ा लो, 2 0 यहां बढ़ा लो, 2 0 यहां बढ़ा लो। ठीक, इनकम में 20% बढ़ाओ, इनकम बढ़ी 20%, 4 × 2 = 80 बढ़ जाएगी, 480 हो जाएगी। सेविंग सेम रहेगी, सेविंग कितनी थी पहले 100, आज भी कितनी रहेगी, सेविंग सेम, नो चेंज, जीरो चेंज है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा भाई। तो 300 में कितने की वृद्धि होगी, 80 की, यही आंसर पूछ रहा है हमसे। 80/300 मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो 80/3 कितना होता है 26, सही, 2/3%। मेरा आंसर कितना आ गया, सेकंड ऑप्शन, कुछ भी नहीं है बताओ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज सारे क्वेश्चन हमने डन किए हैं भाई। ठीक है, तो अब आ जाते हैं भाई अपनी बात करते हैं थोड़ी सी। तो देखो भाई, अगर आपको हमारे सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। क्या ट्राइम्फ मंत्रा फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो भाई हमें। ठीक है, तो अगर हमारे सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं ना तो प्लीज 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 हमें शेयर करो भाई। ठीक है, और आप लोगों को लगता है कि कोई अच्छे सेशंस आप लोगों को चाहिए, और मतलब जो आपको ऐसा लगता है कि आपको जैसे ज्योमेट्री हो सकती है, DI हो सकती है, या सिंपलीफिकेशन हो सकता है, बैंक वाले बच्चों ने अभी तक तो ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं दिया है, ना बैंक के लिए हमने कुछ ज्यादा पढ़ाया है अभी, ये भी बात है, लेकिन परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो बैंक वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं और SSC वाले बच्चे भी, दोनों ही पढ़ सकते हैं इजीली। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि अलग अलग कोई कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, और वही क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, रिपीटेशन भी होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे। बैंक वाले बच्चों के लिए मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, आप मुझे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाले लेक्चर जरूर देख लेना, आपके बहुत काम आएंगे। खासकर परसेंटेज को आप स्टार्टिंग के 4-5-6 लेक्चर जो है उनको देख लोगे तो आपके काम ही आएंगे वो, चाहे वो सिंपलीफिकेशन हो, चाहे बेसिक कैलकुलेशन हो आपकी, वो हर जगह आपके काम आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, इसी चीज के साथ थैंक यू भाई।